सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान साईं श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव को 5 दिवसीय आयोजन के साथ साईं झूलेलाल धाम 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में मनाया जा रहा है। जहां महोत्सव मनाते हुए प्रथम दिन रविवार को साईं झूलेलाल की मूर्तियों को सामाजिक लोगों को अपने घरों में स्थापित करने के लिए सौंपा गया एवं पूजन विधि से भी अवगत कराया गया। झूलेलाल जयंती महापर्व की शुरुआत साईं झूलेलाल जी की प्रतिमा स्थापना के साथ सामाजिक समरसता एवं एकता का संदेश देते हुए की गई। साथ ही इस वर्ष सिंध के भगत सिंह कहे जाने वाले शहीद हेमू कल्याणी की 100वीं जयंती के उपलक्ष में 3 दिनों की प्रभात फेरी में सिंधी समाज की देशभक्ति की भावना को ड्रेस कोड व वृक्षारोपण, चित्रकला, रंगोली, बैनर, पोस्टर प्रतियोगिता, संकल्प सभा के माध्यम से किया जाएगा। परिलक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न संदेश भी दिए जाएंगे। इस महोत्सव के अंतर्गत प्रत्येक दिन धरोहर को सहेजने का संदेश देने का हर संभव प्रयास समाज की ओर से झूलेलाल जयंती में किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन रविवार को गणपति स्थापना की तरह साईं झूलेलाल जी की मूर्तियां पूजन विधि की जानकारी सहित अपने अपने घरों में स्थापित कर सामाजिक एक बढ़ावा देने वाले श्रद्धालु परिवार को समाज के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी, प्रबुद्ध सदस्य हेमंत आसनानी के द्वारा साईं झूलेलाल धाम में वितरित की गई। गणपति स्थापना की तरह अपने अपने घरों में साईं झूलेलाल जी की स्थापना की शुरुआत लगभग 11 वर्षों से सिंधी समाज के संत शिरोमणि चकरभाटा के संत साईं लालदास जी के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में हो रहा है, जिसमें संत साईं जी के आदेशानुसार घरों में मूर्ति स्थापना कर मूल उद्देश्य समाज के सभी परिवारों को एकता और भाईचारे की भावना विकसित कर अपने इष्ट देव की आराधना कर मोक्ष प्राप्ति करने का है। इसके अंतर्गत सभी परिवार प्रतिदिन सुबह और शाम अपने अपने घरों में झूलेलाल जी की आरती, अरदास एवं पल्लव और अखोपायण आदि विधि विधान से पूजा अर्चना कर आराधना कर अपने इष्ट देव को याद करेंगे। काम करने की लगन बने और विगत 11 वर्षों से जिस प्रकार से गणपति को घर घर में बिठाया जाता है, वैसे चक्करभाटा के संत शिरोमणि श्री लाल साईं के दिशा निर्देश और उनके कहे अनुसार घर घर में हम झूलेलाल की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं, ताकि सभी परिवार को साईं झूलेलाल के बारे में, अपने इष्ट देव के बारे में पूजा और उनके प्रति लगन बने। इस प्रकार हम लोग ये काम विगत 11 वर्षों से करते आ रहे हैं और इसी तरह 5 दिवसीय कार्यक्रम में आज हमने मूर्ति वितरित की है। बाकी आने वाले समय में 21 तारीख से 23 तारीख तक हम सुबह साईं झूलेलाल जी की भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे, जो हर समाज के व्यक्ति के घर घर में जाकर उनको भक्ति भाव से सरोवार करेगी और अपने इष्ट देव के प्रति उनके प्रति में लगन उत्पन्न करेगी। हमारे शहीद श्री हेमू कल्याणी के 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारी जो शोभा यात्रा जो निकलेगी 3 दिन की साईं झूलेलाल जी की, वो तिरंगे के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं, जिसमें पहला दिन हरा रंग जो है लोगों में शांति और प्रकृति को बचाने के लिए रहेगा, दूसरा दिन सफ़ेद रंग लोगों में एकता भाईचारा विकसित करने के लिए रहेगा, तीसरा केसरिया रंग हर व्यक्ति के अंदर में अपने देश की भक्ति के लिए खून के एक एक कतरे से देशभक्ति को करने के लिए समर्पित रहेगा। इस प्रकार हम ये त्यौहार हर साल धूमधाम से मनाते रहेंगे। आयो लाल सभी जो। रविवार से प्रारंभ हुई साईं श्री झूलेलाल जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर सिंधी समाज में काफी उल्लास देखा जा रहा है और सिंध के भगत सिंह कहे जाने वाले स्वर्गीय हेमू कल्याणी की 100वीं जयंती मनाते हुए समाज खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।